भले ही मानसून सीजन ने गर्मी से लोगों को राहत दी हो, लेकिन सब्जियों का बाजार अब तपने लगा है। बीते दो हफ्ते में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कीमतों को लेकर टमाटर और लाल हो गया तो सब्जियों का राजा आलू भी आसमान छूते दामों के साथ आम लोगों को आंखें दिखा रहा है। भिंडी और लौकी के दामों में भी जबरदस्त उछाल है। लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। पहले राशन का सामान महंगा हुआ और अब सब्जियां। दो हफ्ते पहले के मुकाबले सब्जियां दोगुनी महंगी हो गई हैं। पहले 30 से 35 रुपए टमाटर बिक रहा था, लेकिन अब 100 रुपए हो गया है। आलू 15 से 20 था और अब 40 से 50 हो गया है। प्याज 30 से 35 था और अब 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं लौकी भिंडी भी 60 रुपए तक बिक रही है। 120 रुपए किलो बिकने वाला हरा मटर अब 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। वही सब्जियों की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। लोगों ने कहा महंगाई के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण घर का गुजारा कर पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। दरअसल अचानक से बढ़ते सब्जियों के दामों के पीछे कई वजह हैं। जहां एक और सब्जियों की कीमतों से लोग परेशान हैं, तो सब्जियां भी बारिश के साथ दोहरी मार झेल रही हैं। एक तरफ सप्लाई का संकट तो दूसरी ओर किसानों का कहना है कि लगातार भारी बारिश के चलते खेत में पानी भर गया है। इससे सब्जियों की फसल का नुकसान पहुंचा है। प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों के बारिश के मौसम में खराब होने का खतरा। इससे मंडियों में आवक कम हो जाती है और मंडियों में सप्लाई कम होने से कीमत तेजी से बढ़ जाती है। इसका सीधा असर इनके दामों पर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर तक प्याज की कीमतें ऊंची रहने की उम्मीद है। वहीं इस बारे में कृषि अर्थशास्त्री का कहना है कि सब्जियों में खास तौर पर टमाटर, आलू और प्याज के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की थी। उसका मकसद यही था कि दाम में उतार चढ़ाव कम हो, लेकिन अभी इसका पूरे तरीके से असर नहीं नज़र आ रहा। निश्चित रूप से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है और बाकी जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। फिलहाल सब्जियों के बढ़ते दामों की वजह कुछ भी हो, लेकिन सब्जियों के बढ़ते लगातार दामों ने लोगों के भोजन का जायका ज़रूर बिगाड़ दिया है।